बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर राना मोहम्मद इमरान अरशद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ स्टेटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक्स, जिसपे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स, लिमिटेशंस एंड स्कोप ऑफ स्टेटिस्टिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम ये समझते हैं कि ये एक माइनर सब्जेक्ट है, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आने वाला दौर रिसर्च का दौर है और रिसर्च में आपको एज ए टूल सबसे ज्यादा स्टेटिस्टिक्स ही यूज करनी पड़ेगी। तो स्टेटिस्टिक्स के टूल्स को समझने के लिए कि ये टूल हमने कहां लगाना है और कहां इस्तेमाल करना है, कौन सी सिचुएशन होगी जहां प्रॉपर टूल लगाया जाए, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक स्टेटिस्टिक्स के अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स एक ब्रांच है अप्लाइड मैथमेटिक्स की, जिसमें हम डील करते हैं डाटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। स्टेटिस्टिक्स स्टडी जो है ये बहुत सारी फील्ड्स में इस्तेमाल होती है, सच एज मेडिसिन, साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड मार्केटिंग एंड एक्सेट्रा। स्टेटिस्टिक्स का जो फील्ड है वो बड़ा वसीह है। जहां भी हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं, जाहिर बात है वहां पे कोई और टूल नहीं लगाया जा सकता, तो वहां सिर्फ और सिर्फ स्टेटिस्टिक्स ही एज ए टूल यूज किया जा सकता है। स्टेटिस्टिक्स डील करती है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल फैक्ट्स ऑफ द डाटा बाई यूज ऑफ मैथमेटिकल थ्योरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंपोजिड ऑर्डर एंड रेगुलरिटी ऑन एग्रीगेट्स ऑफ मोर लेस डेस्परेट एलिमेंट्स। स्टेटिस्टिक्स को हम दो टर्म में डिफाइन करते हैं, एक है इसकी सिंगुलर सेंस और एक दूसरी है इसकी प्लूरल सेंस। इट मींस अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट एंड इन सिंगुलर सेंस इट इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड यूजिंग स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स डेवलप हो रही है लास्ट फ्यू सेंचुरी से, स्टेटिस्टिक्स में बहुत तरक्की हो रही है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स की थ्रू आउट हिस्ट्री देखें तो स्टेटिस्टिक के डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मैनर्स उस वक्त की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक लिए गए हैं, और मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ बादशाहों ने, अकबर ने, बादशाह अकबर ने सबसे पहले इसकी कलेक्शन की, अपने जितने उसके पास फौज थी, उसके पास घोड़े थे, उसके पास असला था, उसकी कलेक्शन की और फिर उस पर एनालिसिस किया और अंदाजा लगाया कि हमारे पास कितने जंग के लिए सूरत हाल है और कितने दिन लड़ सकते हैं। तो स्टेटिस्टिक्स में हम चार स्टेप्स मेन जो है वो लाजमी करते हैं, जिससे मुराद है कि स्टेटिस्टिक्स आपको कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और फाइनली डिसीजन ऑफ द थ्योरी। तो मुख्तलिफ लोगों ने
स्टेटिस्टिक्स को अपने अपने अंदाज में, उनमें से चंद लोग मैंने लिए हैं, आप नेट पे जाएंगे आपको बेतहाशा इससे रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। तो बावले एक स्टेटिस्टिशियन था, उसने स्टेटिस्टिक्स को कहा कि स्टेटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ काउंटिंग, यानी उसने अपने लिहाज से इसको कहा कि इसकी साइंस ऑफ काउंटिंग है, आप इसको स्टेटिस्टिक को एनिमल्स की काउंटिंग कर लें, ट्रीज की काउंटिंग कर लें, फाइटिंग फोर्सेस की काउंटिंग कर लें, और उसके बाद उसका ऊपर मेथड लगा के उसका एनालिसिस करें और उसकी इंटरप्रिटेशन करें। इसी तरह बुडिक्टर ने इसको डिफाइन किया कि साइंस ऑफ एस्टीमेट एंड प्रोबेबिलिटीज, कि ये साइंस ऑफ एस्टीमेट्स है और प्रोबेबिलिटीज पे है, यानी इसका मॉडर्न स्टेटिस्टिक के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है, कि ये साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, किसी चीज के आने के चांसेस का नाम है। देयर आर सम एरियाज ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन विच प्रोबेबिलिटी इज नॉट यूज्ड, यानी इसकी डेफिनेशन एस्टिमेट्स और प्रोबेबिलिटीज की बेस पे हम कहते हैं कि ऐसा एरिया जिसके आने की कुछ चांसेस हैं, फॉर एग्जांपल काइन पास कर रही है तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पास ये हेड आएगा या टेल आएगी। इसी तरह एक और डेफिनेशन डब्ल्यू आई किंग ने दी, जिसमें उसने कहा स्टेटिस्टिक्स इज अ मेथड ऑफ जजमेंट जजिंग कलेक्शन नेचुरल और सोशल फेनोमेना फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन और कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स। और उसके बाद फिर सिंगुलर और प्लूरल सेंस में ऊपर बात हो चुकी है, और इस वक्त जो मॉडर्न साइंसेज में इसकी डेफिनेशन चल रही है कि स्टेटिस्टिक्स आर द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स capable of analysis and interpretation and the science of statistics is the study of the principles and methods applied in collecting, presenting, analysis and interpretation of the numerical data in the field of inquiry। जैसा कि मैंने, तो field of inquiry आपको सबसे पहले तय करना है कि आप करना क्या चाहती हैं, क्या करने जा रही हैं, सबसे पहले field of inquiry तय करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। अब हम बात करते हैं काइंड्स और ब्रांचेस ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो दो मेन काइंड्स हैं स्टेटिस्टिक्स की जिस पे हम काम करते हैं, यूजुअली डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में ये डील करती है विद द कलेक्शन ऑफ डेटा, इट्स प्रेजेंटेशन इन वेरियस फॉर्म सच एज टेबल्स, ग्राफ्स, डायग्राम, फाइंडिंग एवरेजेस एंड अदर मेजर्स which would be described in the data। आगे चल के इस पर हम बात करेंगे कि ये किस तरह हम इस पर ग्राफ्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, डायाग्राम्स बनाते हैं। उसने फॉर एग्जाम्पल ये बताया कि इंडस्ट्रियल स्टेटिस्टिक्स, आपने देखा होगा जब आप किसी इंडस्ट्री में जाए तो आपके सामने उसकी इंडस्ट्री की ग्राफ्स बने होते हैं, प्रोडक्शन के ग्राफ्स बने होते हैं, पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स है, ट्रेड स्टेटिस्टिक्स है, बिजनेस मार्केट में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो इस तरह की जो प्रेजेंटेशन है, रिपोर्ट्स है, फाइनल अकाउंट्स है, बैंक स्टेटमेंट्स है, ये सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में आती है। और इन्फ्लेशन स्टेटिस्टिक्स में हम स्टेटिस्टिक की कोई टेक्निक यूज करते हुए एनालिसिस करते हैं डेटे का, और उसके बारे में एस्टिमेट और ड्राइंग कंक्लूजन करा कंक्लूड करते हैं फ्रॉम द लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू सैंपलिंग एंड टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट। तो इसमें हम स्टेटिस्टिक्स की टेक्निक्स लगाएंगे। अब ये स्टेटिस्टिक्स की टेक्निक्स आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कहां लगती है और किस पर्पज के लिए। वो कहता है कि सपोज वी वांट टू हैव एन आइडिया अबाउट द परसेंटेज ऑफ द इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री, वी टेक ए सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ इलिटरेट इंडिविजुअल इन द सैंपल विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस सैंपल प्रोपोर्शन एनेबल अस टू मेक सम इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। दिस स्टडी बिलोंग टू द इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। ये उसने इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक की एक डेफिनेशन की। अब यहां दो लव्स यूज हुए जिससे शायद आप पहले वाकिफ ना हो या नाम तो सुना होगा, लेकिन सैंपलिंग आप भी करते हैं अपनी जालेगी में। पॉपुलेशन और सैंपल में फर्क क्या है? होल एग्रीगेट्स, टोटलिटी को, टोटल एग्रीगेट्स को हम ऑफ स्पेसिफिक एरिया,
यानी बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन आप देखना चाहते हैं तो ये एक टोटल एग्रीगेट है। अब आप कहते हैं कि बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में तहसील बहावलपुर का मैं सैंपल ले लेता हूं, तो ये एक सैंपल, सैंपल इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिलेटेड टू दैट फील्ड ऑफ स्टडी। अब हम बात करेंगे कि स्टेटिस्टिक्स के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्टेटिस्टिक्स काम कैसे करती है। स्टेटिस्टिक्स एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स पे काम करती है, यानी सिंगल ऑब्जर्वेशन स्टेटिस्टिक्स नहीं हो सकती, एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट हम कहते हैं। और स्टेटिस्टिक्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की जाती है, स्टेटिस्टिक्स को हम न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करते हैं, काउंटिंग करते हैं, यानी न्यूमेरिकल डाटा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और स्टेटिस्टिक्स इवैल्यूएटेड आर एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, स्टेटिस्टिक्स जो है वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी पे कलेक्ट की जाती है। और स्टेटिस्टिक्स कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, तो अपने पर्पस को पहले हमें डिफाइन करना बहुत जरूरी है। स्टेटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, स्टेटिस्टिक्स एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक कंप्यूटर अपनी लूप बनाते हुए चलता है, उसके किसी एक लूप में फ्लॉ रह गया तो पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर स्टेटिस्टिक्स का जिसपे हमने कंक्लूजन ड्रा करना है वो रन नहीं होगा और ना ही उस पर कोई कंक्लूजन निकलेगा। तो एक सिस्टमैटिक मैनर में इसने काम करना है। स्टेटिस्टिक्स मस्ट बी कंपेरेबल टू ईच अदर, अब जो स्टेटिस्टिक्स हम लेंगे वो कंपेरेबल होगी, आपस में उसको कंपेरिजन किया जा सकेगा, कंपेरिजन करने से हमें डिसीजन मिलेंगे। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशन है, हर चीज की कुछ लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन में स्टेटिस्टिक्स वो कहता है कि डज नॉट डील विद द आइसोलेटेड मेजरमेंट्स, और स्टेटिस्टिक डील ओनली ए क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, जो क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स है उस पर बात करती है। स्टेटिस्टिक्स लॉ जो होते हैं वो ट्रू ऑन दी एवरेज वो ट्रू माने जाते हैं। और स्टेटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स पे ऊपर बात हुई, सिंगल ऑब्जर्वेशन वो कहते हैं स्टेटिस्टिक्स नहीं हो सकती, इट डील्स विद अ ग्रुप एंड एग्रीगेट ऑनली। स्टेटिस्टिक्स मेथड आर बेस्ट एप्लीकेबल एंड क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा पे स्टेटिस्टिकल जो मेथड है वो बेस्ट एप्लीकेबल होंगे। स्टेटिस्टिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू हेट्रोजीनियस डाटा, हेट्रोजीनियस डाटा पे होमोजीनियस डाटा और हेट्रोजीनियस डाटा डिफरेंट, होट्रोजीनियस डाटा पे स्टेटिस्टिक यानी एक आपने ये हेट्रोजीनियस से मुराद ये है कि आपने डाटा ले लिया, एक आपने सैंपल लिया पॉपुलेशन का, एक सैंपल ले लिया टेबल का, एक सैंपल ले लिया आपने किसी और चीज का एग्रीकल्चर से, तो ये हेट्रोजीनियस डाटा इस तरह आप कलेक्ट करेंगे तो उसमें स्टेटिस्टिक, यानी जब आप फील्ड ऑफ स्टडी डिसाइड करेंगे तो उसी से ही डाटा कलेक्ट करेंगे, होमोजीनियस डाटा होना जरूरी। इट सफिशिएंट केयर इज नॉट एक्सरसाइज इन कलेक्टिंग एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, स्टेटिस्टिकल रिजल्ट मिसलीड करेंगे अगर ये सारा प्रोसेस करते वक्त ये जो चार स्टेप्स मैंने आपको बताए इस पे अगर आप केयर नहीं करेंगे और डेटा सही तौर पे ही कलेक्ट नहीं होगा तो अगले सारे स्टेप्स बेकार हो जाएंगे, या एनालिसिस में कोई आपने मिस्टेक कर दी, जब एनालिसिस में मिस्टेक हो गई तो आपकी इंटरप्रिटेशन भी ठीक नहीं होगी, आपके डेटे जो है आपके रिजल्ट आपको मिसलीड करेंगे। ओनली अ पर्सन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिक कैन हैंडल स्टेटिस्टिकल डेटा एफिशिएंटली, यानी वो आदमी जिसको स्टेटिस्टिक के टूल्स का इस्तेमाल का सही पता है कि कौन सा टूल कहाँ लगाना है, कौन सा पेज किस पेज का से खोलना है, किस नंबर से खोलना है, तो जब तक वो नॉलेज रखने वाला आदमी स्टेटिस्टिक्स को डील नहीं करेगा तो स्टेटिस्टिक एफिशिएंटली काम नहीं करेगी। सम एरर्स आर पॉसिबल इन स्टेटिस्टिकल डिसीजन, स्टेटिस्टिकल डिसीजन लेते वक्त कुछ एरर आ सकती है, उसकी वजह यह होती है कि इन्फ्लेशन स्टेटिस्टिक जब आप करते हैं तो वी डू नॉट नो वेदर एन एरर हैज बीन कमिटेड आर नॉट, कि कहां कहीं आपने डेटा कलेक्शन करते वक्त या कोई और काम करते वक्त कहीं एरर आ गया है, तो उस एरर का बाज़ूकात नहीं पता लगता और एरर आने के चांसेस होते। स्कोप ऑफ स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स इज इंडिस्पेंसेबल इन दिस मॉडर्न एज
इस मॉडल एज में स्टेटिस्टिक्स के बगैर कोई भी प्लानिंग, कोई भी डिसीजन, कोई भी चीज नहीं हो सकती, खास तौर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। स्टेटिस्टिक्स डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस आर इन प्रिंसिपल यूजफुल इन सॉल्विंग इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सच एज वेजेस, प्राइसेस, टाइम सीरीज एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस। इट इज एन इररिप्लेसेबल टूल ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। तो यहां भी स्टेटिस्टिक्स का एक स्कोप नजर आया कि यहां तो इसके बगैर, तो स्टेटिस्टिकल टूल के बगैर तो ये सारे काम हो ही नहीं सकते। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स आर रिलाइंग मोर एंड मोर ऑफ स्टेटिस्टिकल टेक्निक फॉर स्टडिंग द प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स। तो स्टेटिस्टिक्स का ये भी एक स्कोप है। इंडस्ट्री स्टेटिस्टिक्स वाइडली यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल और इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग स्टेटिस्टिकल टूल सच एज इंस्पेक्शन प्लान, कंट्रोल चार्ट, ETCR extensively used to find out whether the product is conforming to the specification or not. इसी तरह statistics useful bankers, insurance companies, social worker, labor, union, trades, association, chambers and other politicians are also used for the analysis. So this is the scope of the statistic. ये चार्ट आपको मैं दिखाना जरूरी समझता हूं। बीइंग ए जूलॉजिस्ट आप इस पे काम करेंगे और अपनी रिसर्च फाइनलाइज करेंगे तो PPDAC टेपडेक, जिसमें सबसे पहले आपने अपना प्रॉब्लम डिसाइड करना है, आप अपने डायनामिक्स में रहते हुए आप प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका प्लान तैयार करेंगे यानी सैंपल डिजाइन बनाएंगे, डेटा मैनेजमेंट करेंगे और उसकी पायलटिंग करके एनालिसिस करेंगे। कुछ सैंपल लेके, पायलटिंग से मुराद ये है कि कुछ सैंपल लेके पहले उस पर एनालिसिस करके रिजल्ट देखेंगे, आया ये टेक्निक ठीक लग रही है कि नहीं लग रही। उसके बाद फिर आप जब कंफर्म कर लेंगे कि आया पायलटिंग के रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं तो क्या यही डाटा हमारे काम आ सकता है जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं, फिर आप डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटा की मैनेजमेंट करेंगे और डाटा की क्लीनिंग करेंगे। आगे जाके इस पे बात करेंगे कि डाटा की क्लीनिंग कैसे करते हैं, डाटा मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस में आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी टेक्निक लगानी है, क्या इस पे काम करना है, कौन सा स्टेटिस्टिकल टूल निकालना है। और ये जब एनालिसिस हो जाएगा तो आपके सामने फाइनली एक रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट की बेस पे आप कंक्लूजन ड्रा करेंगे। कंक्लूजन में आप उसके बाद जब कंक्लूजन आपके पास आ जाएगा तो उस डेटे की बेस पे आप फर्दर फ्यूचर रिसर्चर को भी बता सकते हैं कि अब इस पे ये न्यू आइडिया लगाया जा सकता है और इससे एक ये चीज नई डेवलप होती है। तो स्टेटिस्टिक्स को मैं समझता हूं कि क्यामत वाले दिन ऑन द डे ऑफ जजमेंट सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो स्टेटिस्टिक्स की ही होनी है। देखिएगा, दो स्टेटिस्टिशियन अल्लाह ताला ने हमारे शोल्डर पे बिठा दिए हैं। ये अलहदा बात है कि ये जो बेचारा दाई साइड वाला है ये सोया पड़ा है और बाई साइड वाला काम पे लगा हुआ है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि एक तो दाई साइड वाले को भी जगाएं और काम पे लगाएं ताकि अल्लाह ताला जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है उससे हमें निकाले। और ये सबसे पहला काम इन्होंने स्टेटिस्टिशियन ने, इन दो को मैं स्टेटिस्टिशियन कह रहा हूं अपनी जबान में, इन्होंने कलेक्शन कर ली। उसके बाद क्यामत वाले दिन आपके सामने कहा जाता है आमाल नामा सजा दिया जाएगा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ दी डेटा आपके सामने आ जाएगी, आपने जो अमाल किए हैं आपके सामने, उसके बाद उसका एनालिसिस होगा, आपने कितने गुनाह किए, कितने नेकी के काम किए, उसके बाद फिर उसका फाइनली एनालिसिस के बाद कंक्लूजन ड्रा होना है, फिर डिसीजन होना है। ये वहां की सिचुएशन है कि अल्लाह ताला हो सकता है किसी अच्छे अमल की वजह से सारे गुनाह माफ कर देना, या नाउज बिल्ला किसी अमल की वजह से सारे हमारे अमाल जाया हो जाए, तो हमें इस पे भी सोचना है। और ये देखिएगा क्यामत वाले दिन ये सारी की सारी स्टेटिस्टिक्स की एप्लीकेशन आपको डे ऑफ जजमेंट नजर आएगी। और यही काम हम दुनिया में भी एक्चुअल कर रहे होते हैं। तो ये जाहिर बात है, ये दुनिया जो है ये हम अपनी जिंदगी को अल्लाह और अल्लाह के बताए हुए
रूल्स के असूल के मुताबिक चलाएंगे, शरिया के मुताबिक चलाएंगे, सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे, तो इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। अल्लाह हाफिज़।